हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेस्ट ऑफ इंडिया। आज की रेसिपी मकर संक्रांति स्पेशल खिचड़ी की रेसिपी है। कुछ स्पेशल ट्रिक्स आपसे शेयर करूंगी जिससे बिल्कुल भोग वाली, जैसे कि हलवाई बनाते हैं वैसी खिचड़ी आपकी भी तैयार होगी। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कर लें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करें। बिल्कुल परफेक्ट खिचड़ी बनाने के लिए सबसे पहले एक कढ़ाई में तेल डालकर आंच पर चढ़ाएं और मीडियम साइज़ के फूल गोभी के पीसेस कट करके रखें। इसे डालकर तेज आंच पर लगातार से ऐसे चलाते हुए इसे कलर चेंज होने तक फ्राई करें। फिर इसमें दो चुटकी नमक डाल दें। हल्का फ्राई होने के बाद ही नमक डालें, नहीं तो गोभी पानी छोड़ देती है और फ्राई होने के बजाय ये गलना शुरू कर देती है। इस तरीके से इसमें बिल्कुल कलर आ चुका है तो निकाल कर रखें। गाजर को छोटे पीसेस में कट करके लें और इसे भी मीडियम टू हाई फ्लेम पर ही फ्राई करें। हल्का फ्राई होने के बाद ही यहाँ पर दो चुटकी नमक डालें और लगातार से चलाते हुए गाजर में हल्की क्रिस्पी लेयर आने पर निकाल कर रख लें। आपके पास जो भी सब्जियाँ अवेलेबल हो, जैसे बैंगन, लौकी, पेठा, ये सारी इस्तेमाल कर सकते हैं। सारी सब्जियों को फ्राई करके ऐसे ही रखते जाएं। फिर एक कुकर को आंच पर चढ़ाएं। इसमें सरसों तेल और घी दोनों डाला है मैंने। आप केवल तेल भी डाल सकते हैं, पर घी से ये ज़्यादा टेस्टी बनता है। साबुत जीरा डालकर चटकने दें। फिर खड़े मसाले डालें, जैसे बड़ी इलायची, छोटी इलायची, दालचीनी, तेज़पत्ता और सूखी लाल मिर्च डालें। फिर पतले और लंबे स्लाइसेस में कटा हुआ प्याज डालकर इस तरीके से हल्का पिंक होने तक पकने दें। इसके बाद बारीक कटी टमाटर डालें और इसे गलने के लिए साथ ही नमक भी डाल दें। दोनों को हल्का गलने तक फ्राई करें। इसके बाद दो चुटकी हींग डालें और लहसुन अदरक का पेस्ट दो चम्मच डालें। इससे टेस्ट काफ़ी अच्छा आएगा। लहसुन अदरक का कच्चापन निकलने तक इसे अच्छी तरीके से मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लें। ये फ्राई हो चुका है तो सूखे मसालों में हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर डाला है मैंने। तेल के रिलीज होने तक इसे अच्छी तरीके से फ्राई कर लें। ये पहले से भिगोई हुई दाल और चावल है। भिगोने के पहले मूंग की दाल को मीडियम फ्लेम पर सौंधी खुशबू आने तक फ्राई करके इसे एक बड़े बोल में निकाला और उतना ही यानी आधा कटोरी नया वाला चावल डाला है और दो चम्मच चने की दाल, जिससे इसका बाइट अच्छा आएगा। सबको एक साथ मिक्स करके धोकर पानी में भिगोकर 20 मिनट के लिए रखा था। इसी दाल और चावल के मिक्सचर को यहाँ पर कुकर में डाल देना है पानी निकालने के बाद। इस तरीके से भूनकर और भिगोकर रखी हुई दाल और चावल की खिचड़ी काफ़ी टेस्टी बनती है। मसाले के साथ दाल चावल को अच्छी तरीके से 5 से 6 मिनट आप धीमी आंच पर फ्राई करें, खिचड़ी काफ़ी टेस्टी बनेगी। गर्म पानी का इस्तेमाल करें दाल और चावल का 3 गुना। दाल और चावल मिलाकर 1 कटोरी थी तो गर्म पानी 3 कटोरी डाला है मैंने। गर्म मसाला पाउडर डालें। अगर आपको पसंद हो तो यहाँ पर 2 चुटकी चीनी ज़रूर डालें। टेस्ट काफ़ी चेंज होता है, काफ़ी टेस्टी बनती है। फ्राई की हुई सब्जियों को डाल दें और छील कर धोकर रखी हुई मटर को लास्ट में डालें। कलर अच्छा बना रहेगा। खिचड़ी में उबाल आ रहा है तो एक बार मिक्स करके इस तरीके से चम्मच पर पानी जो लगा है उसे टेस्ट करके देखें। नमक कम है तो एडजस्ट करें। हरी मिर्च डालकर लिड लगा दें। तेज आंच पर एक विसल आने दें। फिर आंच धीमी करके 3 से 4 मिनट पका लें। फिर आंच बंद कर दें। खुद से स्टीम निकलने का वेट करने के बाद ही लिड को ओपन करें। तैयार है गर्मा गर्म टेस्टी खिचड़ी। आप अगर ज़्यादा गीली खिचड़ी पसंद करते हैं तो गर्म पानी का इस्तेमाल करके इसे आप गीला कर सकते हैं, पर ये बिल्कुल परफेक्ट है। बिल्कुल भोग वाली चटपटी खिचड़ी बनी है। ऊपर से घी डालें और बिना पापड़, चटनी या तो चोखा के भी ये खिचड़ी काफ़ी टेस्टी लगेगी। पर कहावत है ना, खिचड़ी के हैं चार यार, दही, पापड़, घी और अचार। तो इन सबको मिला करके ही खिचड़ी का लुत्फ उठाएं और हैप्पी मकर संक्रांति। मुझे भी कमेंट बॉक्स में कहते जाएं। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक करें।